गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे क्लास फोर। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर वन। तो इस चैप्टर का टाइटल है द प्रिस्ट एंड द मंगूस, पुजारी और नेवला। तो आइए देखते हैं ये क्या है, पुजारी और नेवला की कहानी में। वंस देयर लिव्ड देव अ प्रिस्ट इन अ टाउन विथ हिज वाइफ तारा। देव नाम का एक पुजारी एक शहर में अपनी पत्नी तारा के साथ रहता था। द डे हिज वाइफ गेव बर्थ टू अ सन, द सेम डे वॉज बॉर्न अ मेल यंग वन टू द फीमेल मंगूस दैट लिव्ड इन देयर हाउस। एक दिन उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया और ठीक उसी दिन उनके घर में रह रही मादा नेवला ने भी एक नर नेवला बच्चे को जन्म दिया। The only pity was that the female mongoose died the same day. अफसोस की बात यह रही कि मादा नेवला उसी दिन मर गई। So the couple looked after the little mongoose. इसलिए उन दोनों पति पत्नी ने मिलकर उस नेवले की देखभाल की। द लिटिल मंगूस ग्रो इंटू अ फुल साइज्ड वन इन अ फ्यू डेज। कुछ ही दिन में वो छोटा नेवला विकसित होकर बड़ा हो गया। ही प्लेड विद द प्रिस्ट सन, वो पुजारी के लड़के के साथ खेलता रहता। हाउएवर तारा वॉज अप्रिहेंसिव दैट The mongoose could harm her son. हालांकि तारा भयभीत रहती थी कि नेवला कहीं उनके बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। So she never left him alone in the company of mongoose. इसलिए वो कभी भी अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ती थी। One day तारा had to go to the community well to fetch water. एक दिन तारा को बगल के कुएं से पानी लाने जाना था। सी पिक्ड अप अ पिचर एंड सेड टू देव, उसने मटका उठाया और देव से कहा, आई एम ऑफ टू द वेल, लुक आफ्टर द सन इन माय एब्सेंस। सेइंग दिस सी वेंट अवे, मैं ज़रा कुएं से पानी लेकर के आ रही हूँ, तुम मेरे बच्चे की देखभाल करो। ये कहते हुए वो बाहर चली गई। It was by chance that they was called by the landlord. ये इत्तेफाक की बात थी कि जमींदार ने देव को बुला लिया। The message was urgent and he could not afford to wait for his wife. चूँकि वहाँ जाना अर्जेंट था, इसलिए देव जो पुजारी है वो अपनी पत्नी का इंतज़ार नहीं कर सके। So he stood up to go, patting the mongoose, asking him to protect the child. वो उस नेवले का पीठ थपथपाते हुए ये कहते हुए कि तुम बच्चे की देखभाल करो, मैं अभी आता हूँ, वो चले गए। A calamity fell upon the house soon after. कुछ ही देर बाद उस घर पर एक मुसीबत आई। A poisonous long black snake entered the house and moved toward the child's bed. एक जहरीला लंबा और काला सांप उस घर में प्रवेश किया और बच्चे के बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। The mongoose was sitting right next to the child's bed. नेवला उस बच्चे के बिस्तर के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ था और बच्चे की देखभाल कर रहा था। Young, you might know the mongoose and the snake are natural enemies.
आप तो जानते ही होंगे कि नेवला और सांप एक दूसरे का कुदरती दुश्मन है। When he saw the snake, he engaged him to a fierce fight. जैसे उसने सांप को देखा वो एक खतरनाक लड़ाई में इंगेज हुआ। A long fight ensued, एक लंबी लड़ाई चली। The snake wanted to curl around the mongoose to break his bones. सांप चाहता था कि वो अपने शरीर से नेवला को लपेट कर उसकी हड्डियाँ तोड़ दे। While the mongoose tried to catch hold of the snake's hood to kill, जबकि नेवला चाहता था कि वो सांप की मुंडी को पकड़ के उसको मार दे। The two were badly injured and bled profusely. दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए और बहुत ज़्यादा खून बहा। But none of them could afford to relax. लेकिन दोनों में से कोई भी आराम करना नहीं चाहता था, रुकना नहीं चाहता था। And care for their wounds, और अपने जख्मों की कोई परवाह नहीं कर रहा था। How could they when life itself was at risk? वे दोनों ऐसा कैसे कर सकते थे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से खतरा दिख रहा था। At last, the mongoose succeeded to sever the hood of the snake. अंततः नेवला सांप की मुंडी काटने में कामयाब हो गया। द स्नेक डाइड अ वायलेंट डेथ, सांप एक बेरहम मौत मर गया। द मंगोज सेट डाउन एट द डोर लेकिंग हिज वाउंड्स, नेवला दरवाजे पर बैठ गया और अपने जख्मों को, अपने घावों को चाटने लगा। When Tara returned, she saw the mongoose's mouth stained in blood. जब तारा लौटी उसने नेवले के मुंह में खून का दाग देखा। She was terrified to the extreme. वो बहुत ज़्यादा डर गई। She thought that the mongoose had killed her son, which she was very afraid of. उसने यह सोचा कि नेवले ने उनके बच्चे को मार दिया है। यह सोचकर और भी ज़्यादा भयभीत हुई। बिफोर एनी सेकेंड थाउट कुड डाउन ऑन हर, सी थ्रू द पिक्चर ऑन द मंगूस, इस सोच में आकर के बिना कुछ सोचे उसने जो है अपना मटका उसके शरीर पर पटक दिया। इट स्ट्रक हिम फ्यूरियसली विदाउट गिविंग हिम एनी चांस टू एस्केप, उसने उसे बहुत खतरनाक तरीके से चोट पहुंचाया और नेवले को भागने का मौका नहीं दिया। ही डाइड, वो मर गया। तारा रैन टू द बेड, तारा बिस्तर की ओर दौड़ी। टू हर एस्टोनिशमेंट, और भौचक रह गई, अचंभित रह गई। सी फाउंड द चाइल्ड हेल एंड हार्टी स्माइलिंग इन ड्रीम्स, बच्चा पड़ा हुआ सपने में दिल से मुस्कुरा रहा था। सी नाउ न्यू दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, उसे अब लगने लगा कि कुछ गलत हुआ है। सी लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। सी फाउंड द हुडलेस बॉडी ऑफ द लॉन्ग स्नेक अंडर द बेड, उसने बिना मुंडी के एक सांप के धर को बिस्तर के नीचे पड़ा देखा। तारा क्राइड बिटरली, तारा जोर जोर से रोने लगी। सी सेट डाउन बिसाइड द बॉडी ऑफ द मंगूज एंड सेट, वो उस नेवले के मृत शरीर के बगल में बैठ गई और कहा, आई थाउट यू वुड हर्ट माई सन, मैंने सोचा कि तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया। बट आई वॉज इन द रॉन्ग, लेकिन मैं गलत फहमी में थी। आई एम ए सिनर, मैं एक पापी हूँ। फॉर आई हैव टेकन द लाइफ ऑफ द प्रोटेक्टर ऑफ माई सन, इसलिए कि मैंने अपने बच्चे के जीवन रक्षा करने वाले की जान ले लिया। मे गॉड फॉरगिव मी, गॉड हमें माफ़ करे, क्षमा करे। देव रिटर्न्ड आफ्टर सम टाइम, देव कुछ देर के बाद लौटा। ऑन कमिंग टू नो द इंसिडेंट, जब उसे इस घटना का पता चला, ही सेड टू हर, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, वन मस्ट थिंक थ्राइस बिफोर डूइंग अ थिंग, किसी भी आदमी को कोई काम करने से पहले कम से कम
तीन बार सोचना चाहिए। बात सही है बच्चों कि कोई भी काम करने से पहले सोचना जरूरी है। कभी कभी हम बिना सोचे जो काम कर लेते हैं वो अक्सर नुकसानदेह होता है। तो ये कहानी हमें यही सबक देती है कि हमें कोई भी काम करने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले तीन बार कम से कम सोचना चाहिए, ताकि हम भी पुजारी की पत्नी तारा की तरह ना पछताना पड़े। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब नीचे कुछ वर्ड्स एंड मीनिंग्स हैं, इनको आप याद कर लेंगे। इस चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे डिफ़िकल्ट, तो उनको अंडरलाइन करके उनके मीनिंग्स आप अपने डिक्शनरी में खोजेंगे, उनको भी याद करेंगे और इस लेसन को हिंदी में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।